हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्री लेवल पे एनिमेशन के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। इसमें से बहुत सारे सॉफ्टवेयर पेड हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री में हैं, जिनको आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं ले चलता हूं अपने मॉनिटर स्क्रीन की तरफ और एक के बाद एक देखेंगे कि कौन कौन से एनिमेशन के लिए सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं। तो दोस्तों एनिमेशन सॉफ्टवेयर की लिस्ट में सबसे नंबर वन पे मैंने जिस सॉफ्टवेयर को रखा है उसका नाम है ब्लेंडर्स। इसको मैंने नंबर वन पे इसलिए रखा है क्योंकि ये एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मेंशन भी किया गया है फ्री एंड ओपन सोर्स। इस सॉफ्टवेयर के अंदर दोस्तों बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं। लिटरली मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत पावरफुल एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है और एनिमेशन इंडस्ट्री में अभी इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब बात करें कि इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो आप नीचे आओ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मॉडलिंग, स्क्रिप्टिंग एंड यूवी अनरैपिंग, इसको कहते हैं टेक्चरिंग बोलते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें VFX का भी काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ मॉडलिंग, टेक्चरिंग, लाइटिंग या कैरेक्टर एनिमेशन का काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंटेशन, मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशन के लिए भी इस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग 2D ड्राइंग के लिए भी इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो चाहे आप अपने प्रोफेशनल चाहे पर्सनल किसी भी पर्पस के लिए इसको यूज करना चाहो तो बहुत ही इजी वे में आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ से आप इसको चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो और एनिमेशन और VFX का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, कहाँ पे ज्वाइन करें, कैसे इसमें पढ़ाई होती है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें जॉब कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में और नीचे लिंक बार में भी दे दूंगा, तो वहां से जाके आप पूरी वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं अब अपने मॉनिटर स्क्रीन की तरफ और जानेंगे एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं इस कैटेगरी में अपने नेक्स्ट एनिमेशन सॉफ्टवेयर की तरफ, तो वो है ऑटोडेस्क की तरफ से आने वाला सॉफ्टवेयर माया। माया दोस्तों एक बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारी चीजों को हम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आप देख सकते हो एक्सपेंसिव वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड डेजलिंग इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि आप इसमें एक अपनी दुनिया बना सकते हो, लाइक कैरेक्टर मॉडल कर सकते हो, उसको एनिमेट कर सकते हो और उसमें अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स भी बना सकते हो। मैं दोस्तों आपको बता दूं ये सॉफ्टवेयर पेड है, ये 1 ईयर का कुछ अमाउंट दिख रहा है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट वर्जन का लाइसेंस 3 साल के लिए आपको फ्री में भी अवेलेबल है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम बात करें कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं एक आपको क्लिप चला के दिखाऊं, बहुत देर तक तो मैं नहीं चला पाऊंगा, कॉपीराइट का इशू आ सकता है, लेकिन आप देख सकते हो इसमें कोई भी गाड़ी, कार, कैरेक्टर, इन्वायरमेंट, सीन, लाइक कोई मॉडल करना हो, कोई टेक्चर करना हो, तो ये सारी चीजें आप बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। अब देख रहे हो किस तरीके से कैरेक्टर्स में कैरेक्टर एक्सप्रेशन डाला जा रहा है, फेसियल एक्सप्रेशन डाला जा रहा है। उसके अलावा इसमें कोई भी डायनेमिक्स का काम करना हो, लाइक इसमें एक अलग से प्लगइन भी दिया हुआ है बायफ्रॉस्ट का, जिसकी हेल्प से आप अमेजिंग इन्वायरमेंट और कई सारे इफेक्ट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल बहुत ही तेजी से किया जा रहा है। दोस्तों इस लिस्ट में हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन सॉफ्टवेयर की तरफ, तो वो है मैक्सॉन की तरफ से आने वाला सिनेमा 4D। दोस्तों ये बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है लेकिन इसमें बहुत सारे 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, सिमुलेशन का सारा काम हो जाता है। दोस्तों यहाँ जो भी मैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, अगर आपको उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे जरूर मैसेज करिएगा, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। या किसी और सॉफ्टवेयर के बारे में आप मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो वो भी जरूर मैसेज करिएगा। मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर मोशन ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अवार्ड विनिंग मोग्राफ। मोग्राफ का मतलब मोशन ग्राफिक्स। अगर मैं इस क्लिप को प्ले करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सिनेमा 4D में काम किया जाता है। आप देख सकते हैं जितने भी ये सारे इफेक्ट्स तैयार किए गए हैं, इसको सिनेमा 4D के अंदर बनाया गया है। ये बर्ड्स उड़ रही है और ये जो इन्वायरमेंट में बर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सब डायनेमिक्स वर्क इसको बोलते हैं। तो डायनेमिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग सिनेमा 4D में करते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी वे में इसको हम क्रिएट कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं सारे इंफोग्राफिक्स टाइप की ये जो भी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, इन सबको यहाँ पे तैयार किया गया है। तो दोस्तों आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पे वर्क है। आप देख सकते हैं कि कितने स्मूथली तरीके से इसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। देखो आप इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज, यहाँ पे बहुत ही मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि कम स्टेप्स में ही आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए अपने पीसी में और ट्राई करिए। तो दोस्तों ऐसे ही मल्टीमीडिया और एनिमेशन से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए और देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ।